अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। मैं हूं संतोष और टेक एंड मूवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मोबाइल यूज करते होंगे तो आपके सामने एक समस्या आती होगी कि आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती होगी। अक्सर जब आप इंटरनेट चलाते होंगे, गेम खेलते होंगे, मूवी देखते होंगे या कोई भी वीडियो देखते होंगे तो आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती होगी। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता होगा कि हम रात में तो मोबाइल चार्ज करके सोते हैं लेकिन सुबह होते होते हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, याद कीजिएगा आज से 2-3 साल पहले जब जियो नहीं आया था तब हमें 250-300 रुपए में 1 GB महीने का मिला करता था। उस वक्त ना तो हम अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा ऐप लोड करते थे और ना ही अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा इंटरनेट चलाते थे। तो दोस्तों, मोबाइल में बैटरी खत्म होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे मोबाइल में बैकग्राउंड में ढेरों एप्स रन करते रहते हैं। आज जब से जियो आया है और इंटरनेट डाटा हमें काफी कुछ फ्री मिलने लगा है तो हम अपने मोबाइल में 24 घंटे इंटरनेट ऑन रखते हैं और जब हमारे मोबाइल में इंटरनेट ऑन रहता है तो वो सारे एप्स बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। अब अगर मोबाइल में बैकग्राउंड एप्स रन करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ही जल्द खर्च हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? इससे बचने के कुछ तरीके हैं। प्ले स्टोर पर कुछ एप्स मिलते हैं जो बैकग्राउंड में चलने वाले एप्स को बंद करते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो बैटरी सेवर एप्स होते हैं वो हमारे मोबाइल की बैटरी को जल्दी खर्च भी करते हैं और जल्दी खराब भी करते हैं। दोस्तों, मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड में रन करने वाले एप्स से बचने के लिए एक आसान सा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जब भी रात में सोएं तो उससे पहले अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर दें और मोबाइल को 15 सेकंड के बाद फिर ऑन कर दें। दोस्तों, इस तरह से मोबाइल को ऑन ऑफ करने से आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में जो एप्स रन करते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं और वो एप्स दोबारा तभी रन करना शुरू करेंगे जब आप उन्हें फिर से ऑन करेंगे। अगर आप उन एप्स को ऑन नहीं करेंगे तो वो दोबारा आपके मोबाइल में रन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अपने मोबाइल को ऑफ और ऑन करने से आप देखेंगे कि सुबह उठने पर आपके मोबाइल में मात्र 1-2% बैटरी ही डिस्चार्ज होगी। ये काम अपने मोबाइल में आप कहीं जा रहे हो या आप अपने मोबाइल की बैटरी को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये काम अगर आप करते हैं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और 15 सेकंड के बाद उसे ऑन कर दीजिए। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपकी मोबाइल की बैटरी ज्यादा देर तक सेव रहेगी और आपके मोबाइल की बैटरी लॉन्ग लाइफ भी होगी, यानी कि ज्यादा दिनों तक सुरक्षित बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस छोटे से नुस्खे को आजमा कर आप अपने मोबाइल की बैटरी को ज्यादा देर तक सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और लेटेस्ट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।